हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिज रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी डेजर्ट की रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकती हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बन भी जाती है और इसे वेस्ट बंगाल में लांचा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेजर्ट रेसिपी को। तो सबसे पहले यह हम चाशनी बना लेते हैं, तो इसके लिए एक पैन चढ़ा लेते हैं और एक कप इसमें चीनी डाल लेते हैं। आप मेज़रमेंट के लिए आप किसी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं और इतना ही पानी डाल देंगे, यानी कि जितना हमें चीनी लेनी है उतना ही पानी यूज़ करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर फुल पर ही रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। अब इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, येलो कलर। ये फूड कलर है और बिल्कुल ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, अट्रैक्टिव लगती है। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो इसमें बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमें इसका तार नहीं बनाना है। यहाँ पर हमने 150 ग्राम छेना या पनीर ले लिया है और इसे हमने घर पर ही तैयार किया है, यानी दूध को फाड़कर इसे तैयार किया है और इसे हम ग्रेट कर लेंगे जिससे बिल्कुल ये स्मूथ टेक्स्चर पर आ जाए। इसी तरह से इसको ग्रेट करते रहेंगे। अब हथेलियों की हेल्प से इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, नहीं तो इसका घी निकल आएगा, तो उसे हमें बस थोड़ा से ही मसलना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच रवा या सूजी और 2 चम्मच मैदा यहाँ पर ऐड कर देंगे, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में मैदा और ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा गीला है तो बाद में इसमें और मैदा ऐड करेंगे, साथ ही इलायची पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मसल लेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये गीला है तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच मैदा और ऐड कर दी है। और इन्हें अच्छी तरह से हम एक साथ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्वीट्स काफ़ी जल्दी बनती है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर अब हम 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे भी हम हल्के हाथों से मिक्स करना है, हमें बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। और आप देखेंगे कि इसके बाद ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। तो बस अब इसके छोटे छोटे बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। पहले इस तरह से हमें राउंड शेप देना है और उसके बाद थोड़ा सा इसे इस तरह से लंबे शेप में कर देंगे। फिंगर की हेल्प से आगे और पीछे भी हम इस तरह शेप दे देंगे, क्योंकि लांचा का शेप कुछ इसी तरह सा होता है। इस तरह से हम बाकी के डेजर्ट भी तैयार कर लेंगे। तो उसे ये तैयार हो गए हैं, तो इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ हमने लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, यानी आयरन कढ़ाई, क्योंकि इसमें टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन होता है, फ्राई करने में काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच घी भी डाल देंगे। आप चाहें तो प्योर ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं या प्योर घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें फ्राई करने से इसमें घी का टेक्सचर भी आ जाएगा, घी का टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब इस ऑयल को चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं, तो थोड़ा सा पीस हम इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा तेल बिल्कुल फ्राई होने के लिए रेडी है। तो इस पर थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेस डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें, हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये ऊपर से तो
रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। एक तरह से सिक जाने पर दूसरी तरह से हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम बस गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। हमें गरम चाशनी में ही डालना है इसे, इसे हम डाल देते हैं और बाकी के भी पीसेस हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से उलटते पलटते इसे भी हम पूरी तरह फ्राई कर लेंगे। इसे 2 घंटे तक हमें डूबे रहना है, तो अभी आप देख रहे हैं कि सारे लांचा ऊपर की ओर फ्लोट कर रहे हैं, बट जब ये अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। तो 2 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं कि देखिए अब सब सारे लांचा नीचे बैठ गए हैं, सब अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लिए चाशनी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।